अभी अभी हम लोग हरिद्वार और कोटद्वार का भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। काफ़ी तबाही हुई है व्यापक बाढ़ से और इसके पुख्ता इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने हरिद्वार के अंदर जो सोनाली नदी का जो नीचे का एरिया है जहाँ काफ़ी पानी इकट्ठा होता है वहाँ ड्रेजिंग करके उसको हम बाणगंगा तक पहुँचाना चाहते हैं और बाणगंगा पर हम स्लूस गेट लगा करके उस पानी को हम शुक्रताल होते हुए वहाँ डाइक लगा करके रोक करके और फिर उसको जो है उसका पानी जो है गंगा जी में जाएगा। इससे जो है इस फ्लड का भी प्रभाव कम होगा और पूरा जो शुक्रताल का क्षेत्र है वो पानी से सिंचित होगा। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं और भविष्य के अंदर हम चाहेंगे कि लोगों को फसल का मुआवजा मिले और यहाँ की समस्या का निदान हो और फॉरेस्ट से मिल करके, क्योंकि फॉरेस्ट के पास काफ़ी राशि होती है और फॉरेस्ट हमें जो यहाँ की नदियाँ हैं जंगल के अंदर उनको, मतलब हम चाहेंगे कि फॉरेस्ट से मिल करके हम काम करें ताकि फ्लड को और कंट्रोल किया जा सके और ऐसी समस्या का निदान हो और पुनरावृत्ति ना हो, आगे भविष्य में ऐसी समस्या ना हो।